जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हिंदी के इस विषय में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो हम आप लोगों के सामने हिंदी का एक लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें अगर किसी भी टाइप की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। तो दोस्तों, ये हिंदी विषय जो था इसमें संधियों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी विषय को लेकर हम उसके कुछ उदाहरण करेंगे। ये उदाहरण है उसको देखेंगे, यण संधि के कुछ उदाहरण हैं जो आपके लिए आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, प्रत्येक जो परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हम लेते हैं संधि विच्छेद के लिए, हम जैसे लेते हैं आपका था ई और ऊ को मिलाकर यू बनता है हमारा। जैसे उपर्युक्त का अगर जो संधि विच्छेद करना है तो ऊपर और उक्त हो जाएगा, तभी तो मिलकर क्या बनेगा, अपयुक्त बनेगा हमारा दोस्तों। क्योंकि ई हो गया छोटी, फिर ऊ लिया मिला के क्या होना बड़ा है, तो उपर्युक्त का संधि विच्छेद। ये किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। जैसे अत्युत्तम, इसका अगर अति और प्लस उत्तम, अति में आपका छोटी की मात्रा फिर बड़ा की मात्रा, तो अत्युत्तम। ये किसका उदाहरण हो गया, ये आपका हो गया यण संधि का। जैसे प्रत्युपकार, प्रति छोटी की मात्रा प्लस टू की मात्रा मिला के क्या बनेगी, यू की मात्रा बनी, तो क्या प्रत्युपकार हो गया। नेक्स्ट हमारा ई को मिलाते हैं और बड़ाओं को मिलाते हो तो यू बनता है हमारा। जैसे न्यूना को लिखना, न्यून का नी छोटी की मात्रा और ऊ की बड़े की मात्रा, क्या होगा, न्यून हो गया आपका। जैसे आपको लिखना व्यू, व्यू का क्या हो गया, एक देखो छोटी की मात्रा हो गई और फिर क्या हो गया, बड़े की मात्रा बन गई, ठीक है, व्यू हो गया। ये आपका किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। अगला उदाहरण है क्या है हमारा, ई और ए को मिलाकर ये बन जाता है। जैसे आपको प्रत्येक लिखना है, ये बहुत पूछा जाता है, प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या है, प्रति, प्रति में क्या होना, छोटी की मात्रा और ए आ गया, मिलकर क्या होना, ए, ए की मात्रा हो गया, मतलब कौन सी, यण संधि हो गई, प्रत्येक हो गया। अगला उदाहरण है जैसे आदि एषणा लिखना है, आदि एषणा लिखना, आदि मतलब लगा छोटी की मात्रा हो गई और ए की मात्रा, मिलकर क्या करें, ये की मात्रा आ गई, तो हमारा क्या होगा, आदि एषणा। तो ये आपके कुछ उदाहरण थे जो आपके हिंदी के संधि विच्छेद के कुछ यण संधि के उदाहरण थे। हम अगली क्लास में कुछ और उदाहरण देंगे जो आपके आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है, और इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और सही से रहिए। जय हिंद दोस्तों।